हेलो गाइस एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल पेट्स इन्फोमेनिया। सो गाइस, बेस्ट फैमिली डॉग की सीरीज में आज हम जिस डॉग ब्रीड के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट डॉग ब्रीड्स इन द वर्ल्ड एंड दैट इज ग्रेट डेन। ग्रेट डेन के बारे में हम बात करेंगे कि इस डॉग ब्रीड को हम एज अ फैमिली डॉग रख सकते हैं नहीं, सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, अगर बात करें ग्रेट डेन की तो ग्रेट डेन दुनिया की सबसे बड़ी डॉग ब्रीड्स में आती है। ग्रेट डेन को रखना आसान नहीं होता, इसके लार्ज साइज की वजह से इस डॉग ब्रीड को रखने के लिए भी लार्ज स्पेस की ज़रूरत होती है। ग्रेट डेन को आप छोटे घरों में नहीं रख सकते, ये डॉग ब्रीड बहुत तंग हो जाती है। इस डॉग ब्रीड को मोस्टली आप वेस्टर्न में देखोगे, लाइक यूएसए यूके, यहाँ पे इस डॉग ब्रीड को बहुत शौक से रखा जाता है। लोग अपने घरों में रखते हैं, बिल्कुल अपने क्लोज, अपने सोफों पे, अपने बेड्स पे। लेकिन एशियन कंट्रीज में लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, यहाँ पे हम ये चीज़ करने से थोड़ा डरते हैं क्योंकि हमें डॉग से थोड़ा स्पेस रखना होता है। इसका रीज़न ये नहीं है कि हम डॉग से प्यार नहीं करते, उसका रीज़न ये है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमें अलाउ नहीं करते कि हम डॉग के इतना क्लोज रहें। हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा कहते हैं कि या तो उसको छत पे रखो, या गार्डन में रखो, या बालकनी में रखो, या जो एक्स्ट्रा स्पेस है घर का वहाँ पे इसको रखो। घर के कमरों के अंदर रखने के लिए हमें परमिशन नहीं मिलती। तो गाइस, अगर ग्रेट डेन को एज अ फैमिली डॉग रखने की बात की जाए तो यस, 110% आप इस डॉग ब्रीड को एज अ फैमिली डॉग रख सकते हो। ये दिखने में तो काफ़ी ह्यूज होते हैं, लेकिन रियल में इस डॉग ब्रीड को जेंटल जाइंट्स के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट डेन बहुत जेंटल होते हैं, बहुत काम और हम्बल टाइप का इनका नेचर होता है। ये डॉग ब्रीड एग्रेशन बिल्कुल भी नहीं दिखाती। कभी कभार होता है कि इस डॉग ब्रीड को एग्रेशन दिखा देती है, लेकिन नॉर्मली ग्रेट डेन चिल रहते हैं और सुकून से अपने काउच पे या जो भी जगह आपने इसको प्रोवाइड की है वहाँ पे बैठ के सुकून से आराम करेगा या सोएगा। ग्रेट डेन को डेली एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। अगर आप एक बिजी पर्सन हो और उसको टाइम नहीं दे सकते तो ये डॉग ब्रीड आपके लिए नहीं है। अगर बात करें इस डॉग ब्रीड के अवेलेबिलिटी की तो इंडिया पाकिस्तान के अंदर दोनों जगह पे ही ये डॉग ब्रीड अवेलेबल है और इजीली आप इस डॉग ब्रीड को अपने साथ रख सकते हो, मार्केट से परचेज कर सकते हो, किसी रेप्यूटेबल ब्रीडर से इजीली आप इसे ले सकते हो। इंडिया में भी ये डॉग ब्रीड पाई जाती है, पाकिस्तान में भी इस डॉग ब्रीड का काफ़ी ट्रेंड है। ग्रेट डेन को मोस्टली वो लोग रखते हैं जिनकी टेरिटरीज काफ़ी बड़ी होती हैं और जिनके पास बहुत खुली जगह होती है। तो गाइस, बेस्ट फैमिली डॉग की सीरीज में अगर ग्रेट डेन को रखने की बात की जाए तो 10 में से मैं 5 पॉइंट्स दूंगा ग्रेट डेन को, अगर आप एज अ फैमिली डॉग इसे रखना चाहते हो तो। और ये डॉग ब्रीड उन लोगों के लिए है जिनके पास रखने के लिए जगह काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लार्ज स्पेस है डॉग के लिए, वो इस डॉग ब्रीड को रख सकते हैं। ग्रेट डेन काफ़ी यूनिक दिखते हैं और लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप ग्रेट डेन लेते हो तो इससे आपकी पर्सनालिटी पे भी फ़र्क पड़ता है। जब आप इसको बाहर लेके जाओगे तो काफ़ी लोग आपके पास आएंगे आपसे सोशलाइज करने के लिए, आपके डॉग से मिलने के लिए, तो ये आपका सोशल सर्कल भी बढ़ा देगा। तो गाइस, मज़े की बात यह है कि ग्रेट डेन आप भले अडल्ट ले लो, भले एक पपी ले लो, ग्रेट डेन का बिहेवियर ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता। अगर आप कोई बड़ा ग्रेट डेन ले लेते हो और उसको 10 से 15 दिन तक अपने साथ रखते हो तो वो आपकी फैमिली में एडजस्ट हो जाएगा। उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती फैमिली में एडजस्ट होने की, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे नज़र आता है। सो गाइज़, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इफ देयर इज एनीथिंग मिसिंग। लव यू ऑल।